उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में रहेगी तब तक बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान खतरे में होगा। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनी तो वे लाडली बहना योजना में महिलाओं को 6,000 रुपए प्रति माह देंगे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने महू में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अम्बेडकर जन्मस्थली समारोह स्थल पर कुछ महिलाएं लाडली बहना योजना की तख्तियां लेकर खड़ी थीं। इन्हें देखकर अखिलेश यादव रुके और उन्होंने महिलाओं से कहा इसे 2,000 रुपये होना चाहिए। जब अखिलेश यादव से पूछा गया क्या आपको ये योजना अच्छी लगी तो उन्होंने कहा इसे 6,000 रुपये होना चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो हम लाडली बहनों को 6,000 रुपये प्रतिमा देंगे। यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता बदलाव चाहती है। ये भाजपाई जो अंबेडकर महाकुंभ मनाने की बात कर रहे हैं इनके शासनकाल में ही संविधान खतरे में है। ये लोग देश में निजीकरण करके सभी चीजों को विदेशी कंपनियों के हाथ में दे रहे हैं जिससे देश के गरीब मजदूर किसान को नुकसान होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का संगठन है, इस बार हम पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लोकतंत्र में जो अधिकार हमें वोट डालने का है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, और जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और याद कीजिए आप, एक कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकार बना दिया था, आज सरकार वो कानून बना रही है जिससे कि हर चीज प्राइवेट के हाथ में चली जाए, और जब प्राइवेट के हाथ में चली जाएगी तो क्या होगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान का या मंडल कमीशन की जो सिफारिश थी उसका क्या होगा? वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।